बराए रास्त सबको लिए चलते हैं। इस वक्त शेख रशीद अहमद को रिहा कर दिया गया है। कुछ देर पहले उनकी रोपकार जारी की गई थी शेख रशीद की रिहाई के लिए। अभी आप देख सकते हैं शेख रशीद अहमद, जिन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने आज उनकी रोपकार जारी किए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। शेख रशीद नारों का जवाब भी दे रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं। शेख रशीद अहमद को आज रिहाई मिल गई है। शेख रशीद अहमद जिनको आज रिहाई मिल गई है, शेख रशीद अहमद को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद अहमद की जमानत मंजूर की थी और अब वो रिहा हो गए हैं। शेख रशीद की रोपकार जारी हुई थी कुछ देर पहले। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने ये रोपकार जारी किए थे। अडियाला जेल से शेख रशीद को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रशीद अहमद की जमानत मंजूर की थी। ये देख सकते हैं आप शेख रशीद अहमद को, जो कि रिहाई के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों से बात भी कर रहे हैं। कारकुनान खास से पुरजोश हैं। फूलों की पत्तियां उन्होंने शेख रशीद पर निछावर की हैं। शानदार इस्तकबाल शेख रशीद अहमद का किया जा रहा है। कई दिन जो है वो कैदोबंद की सहूबतें उठाने के बाद आज शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। रोपकार जारी की गई थी कुछ देर पहले। शेख रशीद की रिहाई के मनाजिर बराए रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जमानत मंजूर की आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद अहमद की। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने रोपकार जारी किए थे और अब शेख रशीद को रिहा कर दिया गया है। शेख रशीद को एक बयान के ऊपर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कई दफ़ा ये हमने देखा कि शेख रशीद जब गिरफ्तारी हुई तो उनका राहदारी रिमांड लेने की कोशिश की गई। कई मुकदमात उन पर दर्ज हुए। मरी में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, कराची की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। कई दिन शेख रशीद अहमद गिरफ्तार रहे। आज शेख रशीद की जमानत मंजूर होकर रुपकार जारी किए गए थे। आज रुपकार जारी होने के बाद अब शेख रशीद अहमद को रिहा कर दिया गया है। अडियाला जेल से रिहाई के मनाजिर हैं। शानदार इस्तकबाल कारकुनान की जानिब से शेख रशीद का किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शेख रशीद अहमद भी नारों का जवाब दे रहे हैं। विक्ट्री के निशान उनकी तरफ से बनाया गया और शेख रशीद अहमद अब यहां से रवाना हो रहे हैं।